आज का इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। अब ट्रांसड्यूसर बहुत तरीके का होता है, उसमें से एक है प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है एंड उसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट। यहाँ पर एक मशीन है, मशीन के साथ एक सिलेंडर कनेक्ट है। अब ये मशीन क्या कर रहा है, बाहर का जो एयर है उसे इस सिलेंडर के अंदर भर रहा है, ठीक है। अब जब सिलेंडर के अंदर एयर को भरा जाएगा तो क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अब कितना प्रेशर बढ़ रहा है उसे हम इलेक्ट्रिकली देखना चाहते हैं, उसी के लिए यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं हम, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस प्रेशर को मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। तो आप देखते हैं एक कैसे काम करता है। अगर हम इस ट्रांसड्यूसर को खोलेंगे तो हमें इसमें से एक लीवर देखने को मिलेगा, छोटा सा एक लीवर है। इसे स्प्रिंग की हेल्प से कैलिब्रेट किया जा सकता है। स्प्रिंग इस लीवर को नीचे की तरफ धकेल कर रखता है। अब इस सिलेंडर में जब एयर भरा जाएगा तो क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब वो प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पर जो लीवर है इस लीवर को पीछे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। पीछे की तरफ कनेक्ट है एक स्ट्रेन गेज, ठीक है। अब स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल टाइप का एक रेजिस्टेंस होता है, ये एक्चुअली मेड होता है थिन फ्लेक्सिबल मेटल फॉयल से। अब ये रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस होता है, ये जब सीधा रहेगा तब इसका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ा सा बेंड होगा तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबल मेटल जो फॉयल होता है ना, फॉयल की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही ये धीरे धीरे बेंड होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर इस लीवर को धकेलेगा एंड ये लीवर जैसे ही इस स्ट्रेन गेज के ऊपर आकर टकराएगा, मतलब इसे पीछे की तरफ धकेलेगा, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेन गेज है ये धीरे धीरे बेंड होगा। जैसे ही बेंड हो जाएगा तो क्या होगा, इस स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा एंड वही रेजिस्टेंस हमें डिस्प्ले में मिलता है, ठीक है। अब ये टोटली कैलिब्रेट किया जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर इस चेंबर के अंदर एक PSI का प्रेशर होगा तो ये जो स्ट्रेन गेज है तो ये हमें 1 ओम रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसे ही प्रेशर धीरे धीरे 1 से 2 PSI होगा तो ये स्ट्रेन गेज हमें 2 ओम दिखाएगा, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ेगा इस लीवर के ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा एंड लीवर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगा एंड जैसे ही पीछे की तरफ जाएगा, पीछे स्ट्रेन गेज कनेक्ट है, जितना लीवर पीछे जाएगा स्ट्रेन गेज उतना ही बेंड हो जाएगा, जितना स्ट्रेन गेज बेंड होगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पीछे जाने के बाद भी ये टूटता नहीं है, ये थोड़ा हार्ड होता है, तो इस टोटल को कैलिब्रेट किया जा सकता है। स्ट्रेन गेज ऐसे ही काम करता है एंड यही है प्रेशर ट्रांसड्यूसर, यही है ये प्रेशर को ऐसे ही मेजर, प्रेशर ट्रांसड्यूसर ऐसे ही काम करता है, इसका काम यही है। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए सही है और ये वीडियो आपको पसंद आया है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।